मैं जो जानना चाहूँगा, ड्रीम गर्ल जो फिल्म है, क्या आपको ऐसा इंस्पायर्ड किया सब्जेक्ट को या उस कैरेक्टर को जो आपने इस फिल्म को चुना? इंस्पायर तो कुछ नहीं किया हूँ मुझे, मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ कि मुझे कोई चीज़ अच्छी लगे. मैं बस इसमें बिलीव करता हूँ कि स्क्रिप्ट में अगर मेरी ज़रूरत होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. ये स्क्रिप्ट है वो चूज़ करती है आपको, आप स्क्रिप्ट को चूज़ नहीं करते. और मैंने कभी भी स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं, मैं कभी भी स्क्रिप्ट पढ़ता नहीं कि मैं पढ़ के डिसीजन लूँगा कि आई एम नो वन टू जज अ स्क्रिप्ट, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है. जैसे एक फिल्म बनने में मेहनत लगती है, वैसे एक स्क्रिप्ट लिखने में बहुत मेहनत लगती है, और सालों की मेहनत होती है. एक सीन पे, एक डायलॉग पे मेहनत होती है. और मैं किसी को बोलूँ नहीं यार तुमने बढ़िया नहीं लिखा यार तुम, तो ऑब्वियसली अगर मुझे कोई बोले मुझे बुरा लगेगा. तो मैं सिर्फ वाइब के साथ काम करता हूँ. मुझे एक वाइब, एक फ़ोन भी अगर मुझे एक फ़ोन आता है मैं तभी डिसाइड कर देता हूँ हाँ यार अगर मुझे मिलेगी तो मैं ज़रूर करूँगा ये फ़ोन. तो ये मेरे लिए वाइब और इंट्यूशन और एक अच्छी पॉजिटिविटी बहुत मैटर करती है मेरे लिए सबसे पहले. तो फुकरे से लेकर अभी तक का दौर जो रहा, एक लंबा दौर रहा, क्या कहना चाहेंगे, जो पहला प्रोजेक्ट था आपको वो मिलने में आपको कितना बड़ा चैलेंज था? क्योंकि जिस तरह की फिल्में होती हैं, मतलब यू नो हर कोई चाहता है कि बड़े प्रोजेक्ट का पार्टनर. आप लकी थे कि वो प्रोजेक्ट उतना बड़ा नहीं था, फिर भी काफ़ी सक्सेसफुल था. राइट. हाँ, उस टाइम पे वो 2611 भी हुआ था जब वो फिल्म रिलीज़ हुई थी, वो लकी लकी हुए तो हम. बट मैं ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी स्ट्रगल नहीं किया. लोग बोलते हैं कि यार मैंने बहुत स्ट्रगल किया, जो मैं सच है मैं वो बोलूँगा कि स्ट्रगल मेरा ज़्यादा नहीं रहा. क्योंकि दिल्ली में था मैं, मुझे जब पता चला एक ऑडिशन हो रहा है, मैं फ्रेंड के थ्रू एज अ फ्लूक में मैं ऑडिशन दे आया था कि यार मुझे पता ही नहीं था मैं होऊंगा भी नहीं, अगर हो भी गया तो मेरे को कोई इसमें करियर बनाना नहीं था. तो बट मेरा काम अच्छा ऐसा निकला और मुझे अवार्ड मिल गया उस फिल्म के लिए, उस 15 मिनट के रोल के लिए. और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया मेरा काम. और फिर तब से मुझे कॉल्स आने लग गए, फिर मुझे लगा अच्छा एक ये मिल रहा है तो मैं कर लेता हूँ. तो आज मुझे लगता है अगर मैं ये फिल्म इंडस्ट्री में नहीं था तो मैं क्या कर रहा था, कि मैं पढ़ाई में तो बिल्कुल ही डब्बा था. तो क्या करना चाहेंगे, जैसे आपने बोला कि मतलब एकेडमिक्स आप उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन फिल्म लाइन में आने का जो होता है यू नो एक इंक्लिनेशन, इतना ज़्यादा फैमिली सपोर्टिव नहीं होती. आपका क्या बैकग्राउंड है, कुछ बैकग्राउंड के बारे में बताइए, किस तरह की शुरुआत की थी आपने? मैंने ऑडिशन से जैसे मैंने कहा शुरुआत की थी, बट फैमिली मेरे लिए बहुत इस चीज़ को लेके बहुत सपोर्टिव रही है हमेशा. क्योंकि मेरे डैड को भी बहुत शौक है इस लाइन में, उन्होंने भी फिल्म्स की हैं. और उन्होंने, मैं बताऊंगा, उन्होंने फिल्म्स की हैं विकी डोनर, पटियाला हाउस, रांझना, छोटे छोटे रोल्स किए हैं उन्होंने. पर तो आई थिंक उनका एक ड्रीम रहा है पहले कि वो भी एक्टिंग करें, और तो मैं शायद वो मैं अपने ज़रिए से उनका सपना पूरा कर रहा हूँ. एंड हमेशा से सपोर्ट किया है मॉम डैड ने. और पहली बार मुझे याद है तो जब मैंने बताया कि मुझे ऑडिशन पे जाना है, मॉम मुझे उठा देना फॉर ओ लकी, तो मम्मी ने कहा तुम मतलब सडनली कोई नॉर्मल लाइफ चल रही है, ऑडिशन कहाँ से आ गया? मम्मी ने तो शक्ल देखी तो वो देगा ऑडिशन. तो मैंने कहा क्या हो गया, दे नहीं सकता मैं? तो मैंने ठीक है, फिर मैं गया तो सिलेक्ट हो गया था. तो या मेरी फैमिली हमेशा सपोर्ट रहा है, उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं रही किसी चीज़ को लेकर. लेकिन मुंबई में जो इन्वायरमेंट है, मतलब फिल्म वर्ल्ड को लेकर, कितना ज़्यादा मतलब चैलेंज था इसमें एडजस्ट करना? बेसिकली आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो दिल्ली के लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता है मुंबई शहर में एडजस्ट करना, क्योंकि इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी डिफरेंस है. राइट. मेरे को जब मैं दिल्ली में था, आई यूज़ टू वर्क फ्रॉम दिल्ली, क्योंकि मैं उस टाइम आई वाज स्टडिंग, आई वाज इन 10th क्लास. तो मैं क्योंकि मेरे डैड वॉज लाइक अच्छा तेरे को काम मिल रहा है तो तू यहीं पे रहे, अब तू क्या जाना. तो मैं भी आई वॉज लाइक हाँ सही बात है, मुझे काम मिल रहा है यहाँ पे. तो जब फुकरे आई उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार मेरी ग्रेजुएशन भी हो गई है, मुझे जाना चाहिए. और अभी मुझे फ़ोन जिस तरह का मुझे काम चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा, तो मैं थोड़ा डर गया. फिर मैंने कहा बॉम्बे जाता हूँ मैं. मैंने पापा को बहुत मनाया तो वो माने, फिर मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ. फिर यहाँ पे ऑलरेडी फ्रेंड्स थे मेरे, पर स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा ऑड लगता था कि यहाँ पे कल्चर थोड़ा अलग है, यहाँ पे अलग लोग बड़े बहुत फास्ट हैं, यहाँ पे कोई किसी की परवाह नहीं करता यहाँ पे कि आप क्या हो क्या हो. दिल्ली में बहुत लोगों को दूसरे घर में जागने की बड़ी आदत है, पर यहाँ पे सबको अपना अपने काम से मतलब है. और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी. और अब मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे दिल्ली से ज़्यादा बॉम्बे अब अच्छा लगता है.
ये भी कहना चाहूँगा, एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि सरदार कम्युनिटी के होने के नाते प्रोड्यूसर्स आपको रोल ऑफर नहीं करते थे, क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि जो सरदार्स होते हैं वो कॉमिक रोल के लिए फिट करते हैं। लेकिन आज के दौर में आप देखिए कि जो भी टॉप स्टार्स हैं, अक्षय की बात कर रहा हूँ, वो पंजाबी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो फिर क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल मानते हैं अपनी बात को? नहीं, आपने जो बात की बहुत जेन्युइन बात की है। ये स्टार्टिंग में तो बहुत यही ट्रेंड था कि सरदार आएगा तो बस पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक चलता है, बल्ले बल्ले वो आएगा, निकल जाएगा हंसा के, अपना ऊपर मजाक उड़ा के। तो जब मैंने फिल्म मुझे मिली थी वो लकी, तो मेरे मॉम डैड बड़े खुश थे, हाँ चलो गुड यू गॉट दिस फिल्म, बट तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि तुम्हें अपने रिलीजन का मजाक नहीं उड़ाना, क्योंकि उन्होंने जो फिल्में देखी तो उनको नहीं अच्छा लगता था कि सरदार को ऐसे दिखाते हैं, तो जस्ट बिकॉज हम टर्बन पहनते हैं। तो ये लोगों के तब से परसेप्शन बना हुआ है, और ये परसेप्शन बनाया फिल्म मेकर्स ने, और यही फिल्म मेकर्स ही चेंज कर सकते हैं परसेप्शन कि नहीं यार, सरदार जो है वो सिर्फ, जो सरदार हैं वो सिर्फ यू नो रोमांस, मतलब वो रोमांस करना भी जानते हैं, वो यू नो उनकी गर्लफ्रेंड भी धोखा देती होगी उन्हें, और वो भी यू नो बच्चे पैदा करते हैं, वो भी सब कुछ, उनको भी गुस्सा आता है, और हर फील्ड में सरदार हैं, उन लॉयर्स होते हैं सरदार, डॉक्टर्स होते हैं, हर चीज़ में जिस, तो आई थिंक धीरे धीरे परसेप्शन चेंज हो रहा है। एंड मैं जब भी मिलता हूँ किसी डायरेक्टर से, फिर बाहर ले जाना फोन मेरा।